मॉर्निंग सर, बी एड फर्स्ट ईयर फाइनल और सॉरी फिल स्टडी। आज मैं आपको बता रही हूँ शिक्षण की विशेषता। मैंने आपको बताया था टीचिंग एक ऐसा माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएँ हैं, वो पहली है वांछनीय सूचना देना। पहली विशेषता है वांछनीय सूचना देना। देखो, हमें पता है कि अगर हम सभ्यता के विकास की बात करें तो सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव का ज्ञान भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, मतलब ज्ञान में वृद्धि हो रही है। और ये सब कुछ हमने प्रयास, और जैसे प्रयास होता है, सूझ होती है, कोई गलती होती है उसके माध्यम से, या कोई अनुकूलन होता है उसके द्वारा सीखा है। मतलब हमारे सामने बहुत से ज्ञान आते हैं, वो ज्ञान हमने हमारे जो व्यवहार में जो परिवर्तन हुए हैं, मतलब माना जैसे मान लो कि व्यक्ति कोई गलती करता है, उसके माध्यम से उसने कोई चीज़ को गेन किया, मतलब कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है, या उसकी कोई सूझ है, या उसका कोई अनुकूलन है, इनके प्रयासों से उसने अपने ज्ञान को प्राप्त किया है। हमारा जो कर्तव्य होता है, मतलब हमें चाहिए कि ये जो ज्ञान का भंडार है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाए। तो इसके संबंध में बालकों को हमें क्या करना चाहिए, बेसिकली सुव्यवस्थित रूप से शिक्षण उसके लिए आवश्यक होता है कि हम उसे क्या करें, सही मायने में अच्छे से मोटिवेशन दें। तो इसके अंदर ये होता है कि बच्चों को उस क्या जरूरी है उससे रिलेटेड सूचनाएँ जिससे दी जाती है शिक्षण के माध्यम से दी जाती है। फिर दूसरा होता है शिक्षण सिखाना है। शिक्षण सिखाना है, शिक्षण से तात्पर्य है पथ प्रदर्शन। क्या तात्पर्य है? एक कक्षा के अंदर जो अध्यापक होता है उसके लिए जरूरी है कि बच्चों को समय समय पर प्रेरित करे शिक्षण के प्रति। मतलब शिक्षण वह है जो बालकों को सीखने के लिए उचित मार्गदर्शन के लिए तैयार करे, उचित मार्गदर्शन दिखाए। शिक्षक को चाहिए कि वे बालक की रुचि, क्षमता, आवश्यकताओं, उपयोगिताओं का पता लगाते हुए क्या करें, उन्हीं के अनुसार उनका मार्गदर्शन करें। तो इसके अंदर कुछ विधियां हमें देखने को मिलती है, जैसे मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन प्रोजेक्ट, ठीक है। इस प्रकार की और भी विधियां है, प्रोजेक्ट है, किंडरगार्टन है, डाल्सन है, ये सारी जो विधियां है इसकी भी है शिक्षण की भी देन है, मतलब इसी सिद्धांत के आधार पर बनाई गई है। क्योंकि हमें पता है शिक्षण क्या करती है, शिक्षण हमें मोटिवेट करती है अच्छी अच्छी चीज़ों को सिखाने की, ये क्या करती है बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश करती है। फिर आता है चूने में तथ्यों का ज्ञान। देखो, जब से मानव इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जब से मानव ने, तब से उसी समय से वे प्रकृति को क्या मानता है, प्रकृति के संघर्ष से जूझ रहा है। बहुत से संघर्ष उसके बहुत ही स्ट्रगल करता है। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमारा ज्ञान जो होता है वो दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतने अधिक बढ़ते हुए ज्ञान को बालक इतने कम समय में किस प्रकार से प्राप्त कर सके वो नहीं सीख पाता। तो इसके लिए क्या होता है कि शिक्षण जो होती है वो बच्चों को उन चुने तथ्यों का ज्ञान कराती है, उनके परिणाम स्वरूप उनकी, मतलब एक तरह से उनके अंदर जो भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो जब वो स्ट्रगल करते हैं तो उसके अंदर कुछ विशेष रूप से जो तथ्य उनको जानने की जरूरत होती है उसका ज्ञान कौन कराता है, शिक्षण कराती है। फिर आता है सहानुभूति। अब सहानुभूति की बात करें हम तो अच्छे शिक्षण के लिए ये आवश्यक होता है कि शिक्षक द्वारा बालों के साथ
बालक के साथ परस्पर मित्रता और सहानुभूति का व्यवहार किया जाए। वह अध्यापक जो एक मतलब एक तरह से होता है कि जल मतलब एक तरह से बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, पार्शलिटी करता है और एक न्यायाधीश के रूप में रहता है या बच्चों के साथ पार्शलिटी करता है, तो ऐसे जो होते हैं ठीक है, इस तरह के जो अध्यापक होते हैं वो एक तरह से अच्छे नहीं माने जाते। मतलब ये है कि अगर हम दें तो ऐसे अध्यापकों को हम लिखित रूप में उनके नियमों के अनुसार सजा दे सकते हैं। अच्छा शिक्षण प्रदान मतलब वही अध्यापक एक अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकता है जो बच्चों के साथ क्या करे, अच्छा सा व्यवहार करे, सहानुभूति के साथ व्यवहार करे, पार्शलिटी नहीं करे। तो ऐसे शिक्षक के लिए एक तरह से कठोर अपराध की सुविधा होनी चाहिए जिससे वो बच्चों के साथ क्या करे, पार्शलिटी ना कर सके। तो फिर आता है सहयोग पर आधारित, सहयोग पर आधारित मतलब होता है शिक्षण एक मार्ग नहीं होता, इसके लिए अध्यापक तथा जो विद्यार्थी होते हैं उनके बीच में सहयोग होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है क्योंकि इसमें सहयोग की भावना होती है। कुछ भी अगर अध्यापक होता है कि किसी दूसरे से विचार विमर्श करते हुए कक्षा में आता है या कोई बच्चे से रिलेटेड जो कार्यक्रम मनाना होता है तो उसे किसी ना किसी अध्यापक का सहयोग लेना होता ही है। तो इसके लिए ये कि एक माध्यम ना होकर ये क्या होता है, सहयोग की भावना से निर्मित होती हुई एक शिक्षण प्रक्रिया होती है। यदि विद्यार्थियों का सहयोग अध्यापक को प्राप्त नहीं होगा तो ये माना जाता है कि वे जो शिक्षण कार्य कभी सफल और प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थियों के सहयोग के लिए ही अध्यापक को चाहिए कि वे अंक के लिए उनके लिए क्या करें, अच्छी अच्छी क्रियाओं का आयोजन करें, जिससे क्या होता है कि ये एक तरह से विद्यार्थी को एक तरह से एक यूनियन के रूप में क्या करती है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। फिर आता है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। अब बात आती है वर्तमान युग की, तो वर्तमान युग में अभी जो युग चल रहा है वो प्रजातांत्रिक युग चल रहा है। कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षण प्रवर्तिया के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। वास्तव में अच्छा शिक्षण वही होता है जो बालकों में प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति के पर ध्यान देता है और ये माना जाता है कि दिन प्रतिदिन के व्यवहार में आचरण से क्या करता है, वो प्रजातांत्रिक भावना द्वारा प्रेरणा ग्रहण करता है और अपने प्रजातांत्रिक विचारों को जीवन में उतारने की भावना का विकास वो किसके अंदर करता है, छात्राधिपकाओं के ओ सॉरी स्टूडेंट्स के मन में करता है। फिर आता है प्रगतिशील, जिसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव। बालक की सच्ची शिक्षा ये होती है कि उससे निजी अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। मतलब जब हम टीचिंग करवा रहे हैं तो हमें ऐसी टीचिंग प्रदान करनी चाहिए जो बालक अपने ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग कर सके या उसका उपयोग कर सके। उसको हमें ये बताना चाहिए कि उसकी जो सच्ची शिक्षा है वो क्या होती है, निजी अनुभव होते हैं। तो अच्छा शिक्षण बालक के पूर्व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान प्रदान करता है। इससे बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है और परिवर्तन के साथ साथ वो क्या करता है, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन आता है और उस चीज़ के प्रति क्या होता है, एक तरह से एक कुशलता अर्जित करने की कोशिश करता है। तो ये आपके क्या शिक्षण की विशेषता है। स्पष्ट कीजिए शिक्षा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। घर पर ये सुरक्षित नहीं, थैंक यू।